नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, आज हम ये क्लास सामान्य हिंदी से लेके आए हैं, जिसमें पढ़ने वाले हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कोई बड़ा वाक्य है उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है। जैसे एक वाक्य हम उठा लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, दूसरों के पीछे चलने वाला, दूसरों के पीछे चलने वाला, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का वाक्य के लिए एक शॉर्ट तरीका अपनाना, उसे एक लाइन में बोल, एक वाक्य में बोल देना। जैसे अनुयायी, अनुयायी, अनुयायी। जैसे बड़े वाक्य के लिए एक छोटा सा शब्द प्रयोग करना, वही हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाता है। आइए हम पीडीएफ लगा लेते हैं इसमें और क्वेश्चन आंसर कराते हैं। इसमें क्वेश्चन 18वां स्टार्ट होता है, उससे पहले हम वीडियो बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, दूसरों के पीछे चलने वाला, वो अभी बताया था मैंने, उसे कहते हैं अनुयायी, अनुयायी। अगला आ जाता है जिसे स्पर्श करना वर्जित हो, जिसे स्पर्श करना वर्जित हो, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अस्पर्श, अस्पर्श। अगला देख लेते हैं, जिसका कोई शत्रु न हो, जिसका कोई शत्रु न हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अजात शत्रु। क्या कहते हैं? अजात शत्रु। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगला आ जाता है जिसका मूल्य आंका न जा सके, जिसका मूल्य आंका न जा सके, जिसका मूल्य आंका न जा सके, वह क्या कहलाता है? अमूल्य। वो क्या कहलाता है? अमूल्य। अगला देख लेते हैं, जो इस संसार से बाहर की वस्तु हो, जो इस संसार से बाहर की वस्तु हो, वो क्या कहलाती है? अलौकिक, अलौकिक। ये जो संसार से बाहर की वस्तु क्या कहलाती है? अलौकिक। अगला देख लेते हैं, दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद का समय, कि बोलिए एक वाक्य बनेगा, अपराह्न, अपरा हाँ, दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? अपराह्न। अगला देख लेते हैं, छोटा भाई, छोटा भाई के लिए एक शब्द बनेगा अनुज, अनुज, जो हमने कल भी बताया था। और बड़े भाई के लिए बनता है अग्रज, अगला आ जाता है जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, के लिए एक वाक्य होगा अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय। वर्चनीय। अगला जाता है अपनी प्रशंसा करने वाला, अगला जाता है अपनी प्रशंसा करने वाला, यह कहलाता है आत्मश्लाघी, आत्म श्लाघी, अपनी प्रशंसा करने वाला, यह कहलाता है आत्मश्लाघी। अगला आ जाता है
ईश्वर में विश्वास रखने वाला। अगला देख लेते हैं, ईश्वर में विश्वास रखने वाला वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आस्तिक। आस्तिक, ये ईश्वर में विश्वास रखने वाला क्या कहलाता है? यहाँ दिखाई दे रहा होगा आस्तिक। अगला देख लेते हैं, आद से अंत तक। अगला जाता है आद से अंत तक के लिए वाक्य होगा उद्योपांत। आद्योपांत ये कहलाता है आद से अंत तक। अगला देख लेते हैं, आलोचना करने वाला। अगला वाक्य आ जाता है आलोचना करने वाला। आलोचना करने वाले के लिए एक वाक्य आएगा आलोचक। आलोचक अगला देख लेते हैं, जिसकी आयु लंबी हो। जिसकी आयु लंबी हो, बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं तुम्हारी आयु लंबी हो, तो इसका वाक्य हो जाएगा, एक वाक्य हो जाएगा दीर्घायु। ये हो जाएगा दीर्घ आयु, जिसकी आयु लंबी हो के लिए वाक्य होगा एक दीर्घायु। अगला आ जाता है जो बहुत बोलता हो। अगला जाता है जो बहुत बोलता हो के लिए वाक्य होगा वाचाल। वाचाल, जो अधिक बोलता हो क्या कहलाता है? वाचाल। अगला देख लेते हैं, जो स्वयं पैदा हुआ हो। जो स्वयं पैदा हुआ हो वो क्या कहलाएगा? स्वयंभू। स्वयंभू, जो स्वयं पैदा हो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा स्वयंभू। अगला आ जाता है जो किसी के पक्ष में न हो। जो किसी के पक्ष में न हो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा तटस्थ। तटस्थ, जो किसी के पक्ष में न हो। अगला आ जाता है जिसके हाथ में वज्र हो। जिसके हाथ में वज्र हो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा वज्रपाणि। क्या कहलाएगा? वज्रपाणि। वज्रपाणि। अगला देख लेते हैं, जिसकी आत्मा महान हो। जिसकी आत्मा महान हो के लिए वाक्य होगा महात्मा। महात्मा, जिसकी आत्मा महान हो के लिए वाक्य होगा महात्मा। अगला देख लेते हैं, जिसका रूप अच्छा न हो। जिसका रूप अच्छा न हो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कुरूप। वो क्या कहलाएगा? कुरूप कहलाएगा। जिसका रूप अच्छा न हो क्या कहलाएगा? कुरूप। अगला देख लेते हैं, तीन लोगों का स्वामी। तीन लोगों का स्वामी क्या कहलाएगा? त्रिलौकिक। त्रिलौकिक, तीन लोगों का स्वामी ये कहलाएगा त्रिलौकिक। अगला देख लेते हैं, जो अभी पैदा हुआ हो। जो अभी पैदा हुआ हो के लिए वाक्य हो जाएगा नवजात। क्या कहलाएगा? नवजात। नवजात। अगला देख लेते हैं, जंगल में स्वयं लगने वाली आग।
जंगल में स्वयं लगने वाली आग क्या कहलाएगी? दावा नल। क्या कहलाएगी? दावा नल। जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाएगी? दावा नल। अगला देख लेते हैं। जो जन्म से अच्छा हो, सॉरी, जो जन्म से अंधा हो, लिए वाक्य होगा जन्मांध। ये क्या कहलाएगा? जन्मांध। जन्मांध। अगला वाक्य देख लेते हैं। जो क्षमा करने योग्य हो, जो क्षमा करने योग्य हो, के लिए वाक्य हो जाएगा क्षम्य। ये क्या रहेगा आपका? क्षम्य। अगला देख लेते हैं। जो अगला आता है, जिस पुरुष की पत्नी की मृत्यु हो गई हो, वो क्या कहलाएगा? जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो या मृत्यु हो गई हो, उसके लिए एक वाक्य क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा विधुर। विधुर। अगला देख लेते हैं। जिसका आचरण अच्छा न हो, जिसका आचरण अच्छा न हो, के लिए वाक्य आएगा सदाचारी। सदाचारी। जिसका आचरण अच्छा न हो, के लिए वाक्य आएगा सदाचारी। अगला आ जाता है। जो उच्च कुल में पैदा हुआ हो, जो उच्च कुल में पैदा हुआ हो, के लिए वाक्य होगा कुलीन। इसके लिए वाक्य होगा कुलीन। अगला देख लेते हैं। जिस पर उपकार किया गया हो, जिस पर उपकार किया गया हो, के लिए वाक्य होगा उपकृत। इसके लिए वाक्य होगा उपकृत। अगला आ जाता है। सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाला, ये कहलाएगा सर्वज्ञ। सर्व कुछ जानने वाले के लिए वाक्य आएगा सर्वज्ञ। साथियों, आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन लेके आए थे। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।